Hello to all, this is Neeraj, Tyagi, assistant professor, and my subject is English. Today's topic is going to be very interesting and informative as usual as the previous one videos. और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वो है हमारे टीजीटी एंड पीजीटी. एंड टीजीटी पीजीटी ही क्यों कहें, बाकी जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं बच्चे या कोई भी एडल्ट, उन सब के लिए ये बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है. तो मैं सिर्फ तीन ट्रिक्स के बारे में बताऊंगी, अगर आप उन्हें फॉलो करते हैं तो आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं. जैसे कि मैं अपना एग्जाम्पल भी बताऊं कि मैंने खुद इन्हीं ट्रिक्स के ही सहारे और अपनी मेहनत और हार्ड वर्क के थ्रू 6 कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्लियर किए. और ये ट्रिक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि जिनसे आप भी अपना इनसे लाभ उठा सके, कुछ बेनिफिट ले सके. और जो स्ट्रगलिंग फेज आप लोगों की ज़िंदगी में चल रहा है, जो आपको एक दिशा नहीं मिल पा रही है कि किस तरीके से कैसे तैयारी करें, तो उस चीज़ के लिए ये आज वीडियो बनाई गई है. सबसे पहले ये है कि कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ लेते हैं, बहुत डीप में चले जाते हैं, लेकिन उन्हें अपना टाइम मैनेजमेंट नहीं करना आता. अब जैसे आप देखिए कि यूपी पीजीटी की अगर बात लीजिए कि दे आर द 22 राइटर्स, 22 राइटर हैं, और टीजीटी में आपके 4 राइटर्स हैं. इसके साथ ही फॉर्म्स और प्रोज एंड पोइट्री एंड ग्रामर, न जाने कितना बड़ा सिलेबस आपके सामने है. ठीक है, तो फिर उसमें आपको ये दिक्कत होती है कि अब आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करें. तो टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें एक ट्रिक इस्तेमाल करनी होगी कि आप जो भी मोस्ट प्रोबेबली आपको लग रहे हैं कि इतने दिन मेरे पास है, सपोज आपके पास एक महीना है, 1 मंथ है आपके पास, या 2 मंथ्स हैं, और आपके यूनिट्स कितनी हैं, आप डिवाइड कीजिए. सपोज आपके पास 22 राइटर्स हैं एंड यू हैव 1 मंथ टू प्रपेयर. अगर आप 4-4 या 5-5 दिन एक ही राइटर पर लगे रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे. और ऐसा भी नहीं होता कि एक ही राइटर में से क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं, सबकी प्रोबेबिलिटी सेम ही रहती है कि इस राइटर से भी आ सकता है, इस राइटर से ही आ सकता है. तो प्रोबेबिलिटी सभी राइटर्स के आने की है, इसलिए हम किसी 2 या 3 राइटर को तैयार करके नहीं छोड़ सकते. तो ये भी आपके लिए ज़रूरी है. सबसे पहले बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम टाइम टेबल बना लेते हैं लेकिन फॉलो नहीं होता. फॉलो इसलिए नहीं होता क्योंकि आप स्ट्रैटेजी से नहीं चलते. तो पहली ट्रिक या कह दीजिए पहली टेक्निक यही है कि पहले आप अपने सिलेबस को अपने टाइम के अकॉर्डिंग बांटिए, अदरवाइज यू विल नॉट गेट द एप्रोप्रिएट एंड द डिज़ायर्ड रिजल्ट. तो जैसे आपके 22 राइटर हैं तो आप अमूमन एक दिन एक राइटर को आप दीजिए, पूरा उसको थोरोली स्टडी कीजिए. अगर ऐसा होता है कि एग्ज़ाम डिले हो जाता है देन आप उसको रिवाइजिंग फैक्टर में ले आइए, लेकिन आपको अगर आपको सेलेक्टेड होना है तो ऐसा करना ही होगा. नहीं सेलेक्टेड होना है तो बहुत सारे बच्चे फॉर्म्स भरते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन अगर आपको सेलेक्टेड होना है तो आपको स्ट्रैटेजी वाइज काम करना ही होगा, क्योंकि एक एक नंबर पर पॉइंट्स में आपकी मेरिट वेरी कर जाती है और आप लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते. सो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए इतनी इंफॉर्मेटिव है कि दिस विल आई कैन से बी एन आई ओपनर वीडियो फॉर यू ऑल. एंड द सेकेंड ट्रिक इज़ दैट कि आप कोई भी मार्केट से जा कर के, बाजार से जा कर के कि ये बुक आजकल बड़ी ट्रेंड में है आप ले आते हैं, उसी के ही जो भी MCQs होते हैं, 4-5 MCQs, आप उन्हीं को ही रट्टे लगाने लगते हैं और ये नहीं सोचते कि प्रोबेबिलिटी ये भी है कि इन क्वेश्चंस के अलावा भी कोई और क्वेश्चंस आ सकते हैं. आप तो बस ये कह रहे थे मैंने तो ये सारी किताब रख ली थी, मैंने ये सारी किताब पढ़ ली थी, लेकिन इसमें से तो क्वेश्चन मेरा लगा ही नहीं. अब जो वहाँ पे एग्ज़ाम सेटर हैं, जो इस एग्ज़ाम की प्रक्रिया से और स्टूडेंट गुजर रहे, वो ये तो नहीं कहेंगे कि आपने वो सारी बुक रट ली थी तो आपका सिलेक्शन हो ही जाना चाहिए. तो यहाँ पर इस लेवल पर भी आपकी कमी है. तो दूसरी ट्रिक एंड स्ट्रैटेजी ये है कि किसी एक बुक पर आप पूरी तरीके से निर्भर मत हो जाइए. आपको क्या करना है कि आप गूगल की हेल्प लेंगे,
आप एक जैसे कि विकिपीडिया ही होता है एक बेसिक जानकारी के लिए, मान लीजिए कोई राइटर से वर्ड्सवर्थ है तो आप विकिपीडिया पे सर्च करके उसकी पूरी बायोग्राफी आप निकाल सकते हैं। आप अपना एक रजिस्टर बनाइए, नोट्स क्रिएट करिए, उससे क्या होगा आपके मन में एक गलत फहमी रहती है कि अरे ये तो मैंने पढ़ लिया अब मुझे याद रहेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमारी जो मेमोरी रिटेंशन है, हमारी जो मेमोरी की पावर है वो बहुत ही कम होती जा रही है, इसलिए हमें लगता है कि हमने ये भी पढ़ लिया और हमें याद रहेगा। इवन मैं अगर अपनी भी बात करूँ कि आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर राइट नाउ, लेकिन मेमोरी की अगर बात करें कि अभी हम एक एग्ज़ाम दे करके आए हैं, अगर दोबारा हमें वही एग्ज़ाम देना पड़ जाए तो आई होप कि वो सारी चीज़ें हमें एकदम से रिकॉल नहीं होती, हम फिर दोबारा से उनके थ्रू जाते हैं। और अगर हम नोट्स नहीं बनाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर दोबारा से हमें वही मेहनत, फिर दोबारा से हम वही सर्च करेंगे और एक इजी क्लिक पर, एक इजी आई व्यू पर, एक इजी ग्लैंस पर हमें वो चीज़ें एकदम से नहीं मिल जाएंगी। तो दूसरी ट्रिक आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है कि आप किसी एक बुक पर स्टक ना हो करके आप अपने नोट्स बनाइए, और इस तरीके से भी आप सर्च कर सकते हैं कि MCQs ऑन दिस राइटर, मान लिया शेक्सपियर का आपका टेम्पेस्ट है तो आपने टेम्पेस्ट की पूरी जानकारी निकाली। आई नो कि आप इतने कम समय में पूरी पूरी टेक्स्ट नहीं पढ़ सकते हैं, और अगर आप टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आप एक दो ही राइटर तक सीमित रह जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि कोई बनावटी बातें हैं, ऐसा नहीं है कि आपको कोई गलत दिशा दी जा रही है, बल्कि इस तरीके से है कि आप कम समय में भी ज़्यादा आउटकम कैसे लेकर के आ सकते हैं। सो आप देखिए सेकंड यूनिट आपको, सेकंड ट्रिक जो है आपकी यही है कि आपको अपना रजिस्टर बनाना ही है, इस इज कंपल्सरी। एंड द थर्ड वन, तीसरी जो ट्रिक है और जो ये लास्ट है वो है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स। आप देखिए कई बार आप अपने तरीके से तैयारी कर रहे होते हैं, आपको ये नहीं पता कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, क्वेश्चन कितने डीप में है, कितना किस लेवल पर पूछा जा रहा है, तो ये सब चीज़ों का आकलन आपको उसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को देखकर ही होता है। तो आप सपोज आप इंग्लिश में या हिंदी में या किसी भी सब्जेक्ट में आप पेपर, ये मेरी किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए वीडियो नहीं है, ये कॉमन प्लानिंग है आपको एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। और जो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बनावटी बनाई गई है, बल्कि ये खुद यूज़ भी की गई है, ये टेस्टेड एंड ट्राइड है, और ऐसे ही आपको नॉलेज बढ़ती है किसी भी सिलेबस के बारे में जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के थ्रू जा रहे होते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर्स सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स लेकर के आइए। तो कई बार क्या होता है कि 10 ईयर्स मान लिया आपने क्वेश्चन सॉल्व किए, तो उसमें आपको ये हेल्प मिल जाती है कि आप ये जान पाते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट एरियाज क्वेश्चंस के क्या हो सकते हैं। कई बार तो आप इतने लकी वन भी हो जाते हैं कि जब आपने 10 सालों के क्वेश्चन पेपर आपने सॉल्व किए हैं तो कई क्वेश्चंस आपको वो भी एग्जाम में मिल जाते हैं, और आप एक रीजनिंग करना सीख जाते हैं कि सपोज कि आपको राइट आंसर नहीं आता, लेकिन आप बहुत कुछ पढ़ चुके होते हैं, उसके बेस पे आपको ये पता चल जाता है कि ये रॉन्ग आंसर है। तो कई बार हम रीजनिंग के माध्यम से रॉन्ग आंसर्स को स्पेसिफाई कर पाते हैं, और उसी बेसिस पे हमारा रीजनिंग हमारे वर्क कर देता है, तो जिसे हम गैसिंग पॉइंट भी कहते हैं। हालांकि गैसिंग पॉइंट हमेशा सही नहीं होता, मैं रिकमेंड नहीं करती, बट फिर भी आप ट्राई कर सकते हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर, उसमें नीचे एक्सप्लेनेशंस भी दी होती हैं कि ये आंसर क्यों है। तो इस वीडियो में मैंने आपको 3 रामबाण इलाज बताए हैं जो मेरे खुद के टेस्ट एंड ट्राइड है, एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ। पहला, आप अपना एक सिलेबस के अकॉर्डिंग और अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपना एक चार्ट बनाइए कि आपके कितने राइटर्स हैं और आपके पास कितना समय है कि आप एक राइटर को, एक टॉपिक को, एक यूनिट को कितना समय दे सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप सिर्फ एक ही राइटर, एक ही टॉपिक, एक ही यूनिट तक सीमित रह जाएंगे और आप पूरे सिलेबस को कवर नहीं कर पाएंगे। और फिर जाहिर सी बात है, अगर आपका सिलेबस कवर नहीं होगा, अगर आपको सिलेबस की जानकारी नहीं होगी, तो आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़ है कि आपको किसी एक बुक तक सीमित नहीं रहना है, आपको अपने खुद के नोट्स बनाने हैं, आपको विकिपीडिया और डिफरेंट डिफरेंट साइट्स, आप यूट्यूब से भी मदद ले सकते हैं अगर कोई अच्छा पढ़ा रहा है, अगर कोई अच्छा कॉन्टेंट डाल रहा है। और इसमें मैं किसी को भी
ना प्रमोट कर रही हूँ ना खुद को ना किसी और को, आपको जो अच्छा लगे आप वो देखिए. एंड द थर्ड वन इज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पेपर. अगर आप ये तीन बातें लेकर के अपनी तैयारी में चलेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, क्योंकि ऐसा हुआ है. मैं खुद एक एग्जाम्पल हूँ, मैंने खुद इसी स्ट्रैटेजी से आज इस मुकाम तक पहुँचा है. तो आप भी मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए. और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. दिस वन इज़ अ न्यू चैनल बट एक्सपीरियंस इज़ वेरी ओल्ड. सो ऑल द बेस्ट.